वेलकम बैक टू द second एपिसोड ऑफ हाउ to बिकम एन Influencer ऑन इंस्टाग्राम uh, पहले लेसन में मैंने आपको ये बताया था कि इस काम को करने से पहले सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है या आप क्यों करना चाहते हैं और जिस भी चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं लोगों में क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हैं क्या चेंज लाना चाहते हैं और ये आपका फर्स्ट स्टेप है बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स अगर आपने अभी तक ये फिगर आउट नहीं किया तो कोई बात नहीं थोड़ा सा टाइम इस चीज़ को देना चाहिए सोच समझ के ये करना चाहिए और जब आपको समझ आ जाए तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं आगे चल सकते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ये वाला जो लेसन है ये है बिल्डिंग योर ब्रांड एंड क्रेडिबिलिटी के ऊपर अब इस बात का क्या मतलब है इस केस में ब्रांड का मतलब आपकी ऑनलाइन पर्सनालिटी है यानी आपके इंस्टाग्राम पे आकर लोगों को आपकी पर्सनालिटी से क्या वाइब आती है क्या आप काम हैं या आप ज़्यादा हाइपर एनर्जेटिक से हैं सीरियस हैं कॉमिक हैं वाइब्रेंट हैं सोबर हैं आपकी रैंटी पर्सनालिटी है आपकी कॉमेंटेटर्स वाली पर्सनालिटी है क्या आपका मूड है जो लोगों ने परसीव करना है आपकी पर्सनालिटी से और वही आपका ब्रांड है वही चीज़ आपको पूरा का पूरा डिफ़ाइन करती है जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करते हैं इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इसीलिए ये आपका मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी का मोस्ट ऑथेंटिक मोस्ट जेन्युइन वर्जन लोगों के सामने आना चाहिए जितना ऑथेंटिक होगा उतना लोग उसको पसंद करेंगे इसकी वजह यह है कि जब आपकी पर्सनालिटी में एक कंसिस्टेंसी होती है जब लोगों को आपके अंदर ऑथेंटिसिटी नजर आती है उसे बिल्ड होता है ट्रस्ट और ट्रस्ट से बिल्ड होती है क्रेडिबिलिटी जब आपके और आपके फॉलोअर्स के बीच में ट्रस्ट डिवेलप होता है तब आपके बीच में एक रिलेशनशिप डिवेलप होता है वो आपसे रिलेट करते हैं वो आपकी बातों को सुनते हैं आपके साथ एंगेज करते हैं और आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं अगर लोग आपकी आवाज़ को ट्रस्ट नहीं करेंगे या आपके साथ एक ऑनलाइन रिलेशनशिप उनका नहीं क्रिएट होगा तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे इसी को कहते हैं क्रेडिबिलिटी सिंपल सी बात है रियल लाइफ में भी हम उन्हीं लोगों को ट्रस्ट करते हैं जिनको हम जानते हैं जिनसे हमारी कोई रिलेशनशिप होती है जिनको हम क्रेडिबल समझते हैं राइट right? हम हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आ, किसी नई हेयर ड्रेसर के पास जाना चाहते हैं और हमें बताया कि हमारे किसी फ्रेंड ने उसको ट्राई किया हुआ या समबडी वी नो हैजरेडी बिंदे तो हम मशवरा लेंगे या किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले कि ये कैसे डॉक्टर हैं या ये कैसे हेयर ड्रेसर हैं और जो वो रिव्यू देगा उसको आप ट्रस्ट करेंगे और आप कहेंगे ठीक है ये मेरे जानने वाला इंसान वहाँ जा चुका है तो हम यहाँ जा सकते हैं या अगर उनका बुरा एक्सपीरियंस है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे इंफ्लुएंसर होने का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करना है अपने फॉलोअर्स के साथ कि उसी तरह वो आपको ट्रस्ट करें जब तक आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने नहीं आएगी वो आपको जान नहीं सकेंगे आपको पहचान नहीं सकेंगे तब तक ट्रस्ट नहीं आएगा अभी ऑनलाइन पर्सनालिटी आती कैसे है या लोग इसको पहचानते कैसे हैं ऑनलाइन पर्सनालिटी की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो सिर्फ आपकी शक्ल से नहीं होती या वो सिर्फ आपकी पिक्चर्स से नहीं होती आपकी पर्सनैलिटी आपके कैप्शन से रिप्रजेंट होती है आपकी बातों से रिप्रेजेंट होती है जो आप वर्ड्स लिखते हैं या जो आप वर्ड्स बोलते हैं जो आप स्टोरीज पे आते हैं या आप अपने दिन के बारे में शेयर करते हैं या आप अपनी बातों के बारे में शेयर करते हैं उससे सामने आती है आपकी पर्सनालिटी इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि भाई आप क्या यू नो कपड़े पहनते हैं आप कौन सी जगहों पर जाते हैं आप आ, किन चीजों के बारे में बातें करते हैं बिकॉज जितने लोग वो सारी चीजें देखेंगे और आपसे रिलेट कर पाएंगे उतना ही वो आपकी पर्सनालिटी को समझेंगे जितनी आपकी शक्ल सामने आती जितनी आप अपनी थॉट्स शेयर करते हैं उतना लोग आपको जानना शुरू करते हैं जाहिर सी बात है यानी अगर आप ज़्यादा अपनी स्टोरीज में पीर होंगे आप ज़्यादा लोगों से फेस टू फेस बात करेंगे या आप जितना उन्हें अपने एक दिन के बारे में बताएंगे अपनी थॉट्स के बारे में बताएंगे उतनी ही आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होगी जो कि एक नेचुरल सी बात है रियल लाइफ में भी ये होता है जितना आप किसी के साथ वक्त गुजारते हैं उतना आप उनको पहचान लेते हैं उतना आप उनको जानते हैं तो जो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं उनके लिए ये तरीका ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वो अपने आप को डालते वे डरते नहीं है कैमरे में कैमरा शाई नहीं होते वो लोगों से बात करने में शाई नहीं होते वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के बारे में ज़्यादा शाई नहीं होते लेकिन इस तरह हर कोई नहीं होता ये बात मुझे पता है तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल इन्फ्लुन्सर बनने के लिए शायद इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़े और थोड़ा बार बार करना पड़े ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकें और ये बहुत नेचुरल बात है जो मैं आपको यहाँ पर बताने लगी हूँ कि शुरू में इंसान जब यू नो कैमरे से इस बात करना शुरू करता है या लोगों से इस बात करना शुरू करता है या अपनी थॉट्स लोगों से शेयर करना शुरू करता है तो उसमें जजमेंट का भी फियर होता है डर भी लगता है मुश्किल लगता है लेकिन सिर्फ कंटिन्यू करने की बात है बार बार करने की बात है और आहिस्ता आहिस्ता आप उस फियर को ओवरकम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं लेकिन ये इसी तरह होगा जब आप इसको बार बार करेंगे ठीक है अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद आ, इतना डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते लेकिन फिर भी उनकी पर्सनालिटी बहुत क्लियरली नज़र आती है स्पेशली वो लोग जो कि आर्ट इन्फ्लुंस होते हैं या आर्ट अकाउंट होते हैं वो एक अपना ऐसा मूड क्रिएट करते हैं अपनी प्रोफाइल पे जिसकी वजह से लोगों ने फॉलो करते हैं इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ हमारे पास दो बड़ी फेमस इन्फ्लुंस हैं अरीबा और नूरान के नाम से जिसमें अरीबा जो है वो ज़्यादा आर्टिस्ट हैं और नूर नहार जो हैं वो पोइट हैं और उन्होंने अपने अकाउंट्स बहुत आर्टिस्टिक बनाए हुए हैं और एक पूरी वाइब आपको फ़ील होती है एक पूरा मूड महसूस होता है वो खुद भी आती हैं बहुत कॉन्फिडेंटली लेकिन उनकी पर्सनैलिटी उनकी हर चीज़ में नज़र आती है ये नूरान की प्रोफाइल है जो कि एक ऑथर हैं पोइट हैं बहुत अच्छा लिखती हैं और इनका अकाउंट बहुत आर्टिस्टिक है तो आपको नज़र आता है कि इन्होंने अपने आर्ट जर्नल्स की पूरी पिक्चर्स डाली हुई हैं इनकी पिक्चर्स जिस तरह से खिंची हुई हैं जो कलर्स हैं उनसे इनकी पर्सनालिटी बहुत ऑब्वियस होती है इन्होंने हर पिक्चर में अपनी शक्ल नहीं डाली हुई लेकिन फिर भी लोग इनको इन्हीं की वजह से फॉलो करते हैं इनके वर्ड्स के लिए और इनकी आर्ट के लिए इनको फॉलो करते हैं ठीक है इन्हीं की ट्विन सिस्टर हैं अरीबा ये अकाउंट है और ये भी एक आर्ट अकाउंट है तो आपको बहुत सारी आर्ट नज़र आएगी आर्ट जर्नल्स नजर आएंगे कुछ अपनी पिक्चर्स भी नजर आएंगी लेकिन अगेन बहुत क्लियर पर्सनालिटी आपको जाहिर हो रही है और आपको नजर आ रही है और यही इनकी अच्छी बात है और इसी वजह से लोग इनको फॉलो भी करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ आपकी शायद शक्ल से ना आए या आपकी शायद सिर्फ आ, बातों से ना आए और भी तरीके होते हैं जैसे कलर्स कि आप की पर्सनैलिटी किस तरह की है आर्टिस्टिक सी है डार्क सी है या वाइब्रेंट सी है मतलब अगर आप बहुत वाइब्रेंट से इंसान हैं तो आपकी पिक्चर्स भी वाइब्रेंट से होनी चाहिए राइट तो आपकी पिक्चर्स में वैसे ही कलर्स हों अगर आपका मूड जरा डार्क साइड पे है या ज़रा डलर साइड पे है आ, तो आपकी पिक्चर्स भी जरा डार्क या डल साइड से होनी चाहिए अगर आप बहुत फेमिनिन हैं तो आपकी पिक्चर्स बहुत फेमिनिन होनी चाहिए राइट आम, वो फीलिंग लोगों को महसूस होनी चाहिए और वो फीलिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए ताकि उन्हें पता हो एक ट्रस्ट हो कि अच्छा ये इस इंसान की पहचान है और ये ये इंसान है अब मैं आपको कुछ लोगों के इंस्टाग्राम इन अकाउंट्स दिखाऊंगी जो सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किस डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से वो ये काम कर रहे हैं सबसे पहले हम एक अकाउंट देखेंगे अ व अफेयर जो कि अंबर जावेद का है और ये एक मोस्टली फैशन इन्फ्लुएंसर है तो जब आप इनका अकाउंट खोलते हैं तो आपको बहुत क्लियरली नज़र आ जाता है कि ये फैशन के बारे में पैशनेट हैं क्योंकि इनकी पिक्चर्स सारी ऐसी हैं एक कॉन्फिडेंट वाइब आती है एक एक्सक्विजिट सेंस ऑफ फ़ैशन की वाइब आती है आप जैसे ही खोलते हैं आप वो फ़ील कर सकते हैं आपको वो नज़र आता है कि बहुत सारा देसी फैशन इनके अकाउंट पे है और वो कंसिस्टेंट है तो इनकी एक कंसिस्टेंट वाइव है जो कि इन्होंने बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है तो लोग इनको पहचान चुके हैं इनको जानते हैं तो ये एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर की निशानी है कि उनकी पर्सनालिटी फुली उनके अकाउंट में रिफ़्लेक्ट हो रही है अच्छा अनदर एग्जाम्पल इज़ ये बसमाह मसूद का अकाउंट है जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आता है उन्होंने लिखा हुआ भी अपने प्रोफाइल में सोल माई किडनी एंड बॉट अ न्यू कैमरा जिससे पता चलता है कि उनके लिए फ़ोटोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है तो जब आप ये वीडियो ये इनकी प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें एक उसमें फ़ोटोग्राफी उसमें बहुत सारी आर्ट है फोटोग्राफी के साथ इन्होंने फुल एक्सपेरिमेंट किया हुआ है खेला हुआ है एक वाइब है एक नेचर की वाइब है एक मूड है यू um, नो you know, बहुत वाइब्रेंट नहीं है लेकिन बहुत आर्टिस्टिक है तो आपको इनकी पर्सनैलिटी की भी झलक उनकी पूरी प्रोफाइल से मिल जाती है और जाहिर जो फॉलो करना शुरू करता है जो कैप्शन पढ़ता है वो और ज़्यादा जान जाता है और ज़्यादा पहचान जाता है राइट तो जैसे ही कोई आपकी प्रोफाइल खोले उसमें एक पर्सनैलिटी की फीलिंग आनी चाहिए फिर हमारे पास एक इन्फ्लुंसर हैं रामेश सफ़ा जो कि मेल इन्फ्लुएंसर हैं और आप इनकी प्रोफाइल भी देखते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि ही हैज़ अ लाइकिंग फॉर दीज स्नीकर्स दीज शूज दे एवरीवेयर ही लाइक्स टेक्नोलॉजी एज वेल ये देखें सो यू नो द दिजीज एंड द जॉर्डन्स और हैश टैग स्निकर हेड भी लिखा हुआ है सो so, लड़कों के लिए फैशन गोल्स ये दे रहे हैं राइट right? फिर आपको ये भी नज़र आता है कि ये फ़िटनेस इंथोजियस्ट भी हैं टेक्नोलॉजी इंथोजियस्ट भी हैं स्नीकर्स भी इनको बहुत पसंद हैं इट्स ऑल देर इन द पर्सनालिटी। आप इनका प्रोफाइल भी खोलें तो पर्सनालिटी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होती है ये आर्टिस्ट भी हैं वो भी नज़र आ रहा है कैरी वगैरह बनाते हैं तो इनकी भी प्रोफाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंट से लोगों की एग्जांपल्स दी हैं दिखाने के लिए कि किस तरह लोग अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स के थ्रू और जो चीज़ें उनको पसंद हैं जिस भी चीज़ के बारे में वो पैशनेट हैं ये बात आपने खुद डिसाइड करनी है कि आपके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन क्या है क्या वो आप के स्पोकन वर्ड्स हैं जो कि शायद आप वीडियो फॉर्म में या फिर स्टोरीज़ में आके लोगों से बात कर सकते हैं या वो आपके रिटर्न वर्ड्स हैं जो आप कैप्शन में कर सकते हैं जो आप ब्लॉग पोस्ट में डाल के यहाँ पर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं या स्टोरीज में ही रिटर्न फॉर्म्स में शेयर कर सकते हैं या फिर वो आपकी कोई आर्टिस्टिक फोटोग्राफी है जिसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं आपका कोई और स्किल या कोई टैलेंट है बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं कि वो सिर्फ अपनी फोटोग्राफी के थ्रू सिर्फ अपने वर्ड्स के थ्रू सिर्फ कलर्स के थ्रू सिर्फ अ सर्टेन स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी के थ्रू अपनी पर्सनालिटी बहुत आराम से कन्वे कर सकते हैं फॉर um, एग्जांपल अगर आप एक प्लांट एंथूज हैं ठीक है और आपको गार्डनिंग का शौक है या आपको होम डिकोर का शौक है या डी का शौक है राइट तो आप अच्छी पिक्चर्स खींचें अपने स्टाइल की अपने तरीके की और फिर उनके नीचे कैप्शंस लिखें जिससे आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो और उसमें ऐसी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हो अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद इंफॉर्मेशन आर शेयरिंग एज वेल बट इट डेफिनेटली उसमें डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी की हिंट्स होनी चाहिए अब उसकी वजह यह है कि आजकल इन्फॉर्मेशन तो हर तरह की गूगल पे प्रेजेंट है राइट right? अवेलेबल है तो लोग आपके पास क्यों आएंगे या आपकी बात क्यों सुनना चाहेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में ये सवाल है और उसका जवाब यह है कि उनको आपका स्टाइल पसंद होना चाहिए उनको आपकी पर्सनालिटी पसंद होना चाहिए उनको आपसे इन्फ्लुएंस और इंस्पायर होना चाहिए जिस तरह आप बताते हैं जिस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं जो आपका फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है वो उन्हें पसंद हो और वो आपके पास ही आए मतलब मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है और उसको कोई फॉलो करता है और उसे ये फिगर आउट करना चाहिए फिगर आउट करना है कि वर्क वर्कवेयर पे सबसे अच्छे कपड़े क्या होते हैं तो ये चीज़ तो वो गूगल भी कर सकते हैं लेकिन वो गूगल ना करना चाहे बल्कि आपके पेज पे आके देखना चाहे कि आप क्या सजेस्ट करते हैं या आप क्या रेकमेंड करते हैं क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को ट्रस्ट करते हैं तो चाहे आप जिस चीज़ के भी बारे में बात कर रहे हैं आपकी यूनिकनेस या आपका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो सिर्फ आप हैं और आपकी पर्सनैलिटी है बिकॉज अदरवाइज गूगल इज ऑलवेज देयर राइट लोगों को आपके पेज पे किसी और वजह से नहीं आना लोगों को आपके पेज पे आपकी वजह से आना है दुनिया में चाहे कोई वही बात करे जो आप कर रहे हैं, चाहे दस हजार लोग वही बात करें जो आप कर रहे हैं लेकिन वो आप कभी भी नहीं बन सकते तो आपका यूनिक फैक्टर आप ही हैं आपकी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं आपके दिन के बारे में और जानना चाहते हैं ठीक है आप को लोग जिस चीज़ के लिए फॉलो करते हैं सिर्फ वो लोगों को बताना नहीं होता बल्कि वो दिखाना होता है यानी यू हैव टू शो योर नॉलेज आपने उनको दिखाना है कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ इस तरह है या मेरी थॉट्स इस तरह है जब आप ये अंडरस्टैंड कर जाएं और जब आप अपनी यूनिकनेस को और अपनी पर्सनैलिटी को अपना लें और लोग उसको समझ लें तो आपकी ऑडियंस लॉयल हो जाती है और वो आपको दिल से फॉलो करती है सो आई होप आपको समझ आ गई हो कि बिल्डिंग योर ब्रांड का क्या मतलब है अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने का क्या मतलब है और अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करना ऑनलाइन का क्या मतलब है अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे बनना सीखेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो